ये एक वॉल पुट्टी वुडन स्क्रैच डिजाइन है जो एक्सटेरियर और इंटीरियर दोनों ही जगह में आप कर सकते हैं। इसका कम्बिनेशन गोल्ड और कॉपर से कर सकते हैं, जो कि होने के बाद बहुत ही हाईलाइट आपकी वॉल दिखाई देगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो की भावना में खोने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड, आपके लिए एक नई डिजाइन लेके आया हूँ आज, जो कि बहुत ही हाईलाइट डिजाइन है, जो आप इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही जगह पे आप कर सकते हैं। इस डिजाइन में वॉल पुट्टी का यूज हुआ है। यहाँ हमने जेके वॉल पुट्टी यूज किया हुआ है। ये डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको जिस भी वॉल पर करना है और जैसा भी डिजाइन बनाना हो, इसकी मास्किंग टेपिंग कर लें। मास्किंग टेपिंग करने के बाद वॉल पुट्टी से आप इस तरह डिजाइन बना सकते हैं। वॉल पुट्टी मिक्स करने का तरीका हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप देखे होंगे तो आपको मालूम है, अगर नहीं देखे होंगे तो हमारी पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है, इसलिए हमने वॉल पुट्टी मिक्स करने का तरीका इसमें नहीं बताया है। गाइस, ये एक कॉम्बिंग और वुड स्क्रैच डिजाइन है, वुडन स्क्रैच, जो कि अलग अलग कलर करके आप कॉम्बिनेशन इसका दे सकते हैं। यहाँ हमने गोल्ड और कॉपर का दिए हुए हैं। ये डिजाइन बनाने के लिए आपको एक शीट की जरूरत पड़ेगी। शीट को आप कंघी की तरह कट कर लें और वो शीट आपकी लकड़ी की भी बना सकते हैं, प्लाई की। और यहाँ हमने शेड की कट लेके उससे बनाया हुआ है। वॉल पुट्टी लगाने के बाद ये हमारा गुरुमाला है, इसको हल्के हाथ से प्रेस करना है, फिर छोड़ना है। टेपिंग वाली एरिया को छोड़ देना है, ताकि आपको मालूम रहे कि हमारा डिजाइन कहाँ से और किस एंगल में लेके जाना है। अभी तक हमने ऊपर और नीचे का एंगल दिया हुआ है, यहाँ साइड से एंगल देना है, साइड एंगल से डिजाइन देना है। जो भी एक्स्ट्रा माल होएगा, जो भी एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी होएगी, वो रिमूव हो जाएगी। इस प्लेट को दीवार के साथ खींचना है। आप टेढ़ा मेढ़ा भी खींच सकते हैं, सीधा भी खींच सकते हैं, जैसे आपको डिजाइन पसंद हो उसी तरह से आप इस प्लेट को खींच सकते हैं। इसका प्रोसेस पूरा होने के बाद ये हमारा गुरमाला है, इसको हल्के हाथ से प्रेस करना है, उठाना है, प्रेस करना है। थोड़े थोड़े से एरिया में आपको प्रेस करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। अगर बहुत ज़्यादा प्रेस कर दोगे इसको, आपका डिजाइन बैठ जाएगा, पता नहीं चलेगा डिजाइन।
इसलिए इसको बहुत ही नॉर्मल हाथ से खींचना है, स्लिप करना है। तो गाइस जब आपका ये कंप्लीट हो जाए डिजाइन, इसको आप 1 घंटे के लिए छोड़ दें। थोड़ा सा सूखने के बाद इसको 15 से 20 मिनट आप मौसम के हिसाब से देख लें। जैसे हल्का सा सूख गया तो इस टेप को रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद 1 दिन के लिए इसको छोड़ दें पूरा सूखने को। नेक्स्ट डे आप इसकी रगड़ाई कर दें, सैंडिंग कर दें। रेगमार लगाते समय रेगमार के ऊपर कोई पत्थर का टुकड़ा रख के ही रेगमार लगाएं, नहीं तो डिजाइन आपका टेढ़ा मेढ़ा कट जाएगा। बिल्कुल इक्वल लेवल में इसकी घिसाई होनी चाहिए। और इसकी फास्ट कोटिंग आप जब भी करें अपेक्स का करें, एशियन पेंट अपेक्स फास्ट कोट, इसका एशियन पेंट का अपेक्स करें। और गाइस इस पे प्राइमर लगाने का कोई लोड नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखें फास्ट कोट जब भी करें तो बहुत ही पतला पेंट होना चाहिए, ताकि आपका पेंट वॉल पुट्टी के अंदर एंट्री कर जाए। इसका सेकंड कोट आप कोई भी कलर ले सकते हैं अपने मन पसंद का। यहाँ हमने हल्का सा ग्रे कलर लिया हुआ है, लाइट ग्रे। व्हाइट भी कर सकते हैं, व्हाइट करने से और भी अच्छी लुक आएगी। सब अपनी अपनी पसंद है। गाइस डिजाइन बनाने के लिए यहाँ तैयारी हम कर रहे हैं। ये गोल्डन ब्राउन है, गोल्डन ब्राउन और थोड़ा सा वार्निश आपस में मिक्स करना है ताकि इसका कलर हल्का हो जाए। तो गाइस इसी तरह लगा के एक स्पॉन्ज से अप्लाई करना है वॉल पर, जिस तरह से आपको डिजाइन बनाना है, जिस एंगल पे जो भी कलर देना है। या हमने ये हमारा गोल्ड है ग्लिटर एशियन पेंट का, ये वाटर पेंट है। इसमें सिर्फ आपको 10% ही पानी मिक्स करने होंगे, ज्यादा पानी नहीं मिक्स करना है। पानी आपको 10% ही मिक्स करना है, हल्का सा। गाइस आपको एक बार फिर बता दूं, ये हमारा ग्लिटर पेंट है एशियन पेंट का गोल्ड। आप अपने हिसाब से कलर चॉइस कर सकते हो। यहाँ हमने गोल्ड का कलर लिया हुआ है, गोल्ड और कॉपर का कॉम्बिनेशन। गाइस अगर आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये हमारा गोल्ड कलर है। स्पॉन्ज से इसको बहुत हल्के हाथ से लगाना है, बहुत ही अच्छी लुक आती है इस डिजाइन से, इस गोल्ड कलर से।
मेटालिक गोल्ड से गाइस, इस डिजाइन को आप बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम, हॉल, कहीं भी आप कर सकते हैं। एलसीडी पैनल के पीछे, सीलिंग में, ये एक बहुत ही अच्छी डिजाइन है और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। वॉल पुट्टी डिजाइन से आपका डिजाइन वही रहेगा, लाइफ इसकी कम से कम 20 साल की होगी, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आपकी वॉल पर सीलन ना हो तो ये डिजाइन चलता ही रहेगा। आप कलर चेंज कर सकते हो, कलर आप जब भी इच्छा करें जब भी चेंज कर सकते हो, डिजाइन आपका वही के वही रहेगा। इसलिए इस वॉल पुट्टी डिजाइन का बेनिफिट यही होता है, ये आपका काफी लंबे समय तक चल जाता है। अगर आपकी वॉल पर सीलन का कोई दिक्कत ना हो तो ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। इसकी मजबूती में कोई भी कमी नहीं होती है, अगर आप ब्रांडेड कंपनी का वॉल पुट्टी यूज़ करेंगे तो। ये हमारा कॉपर है गाइस, ये भी ग्लिटर है, कॉपर ग्लिटर गोल्ड। पीछे से बेस कोट इसका गोल्डन ब्राउन का दे रखे हैं और टॉप कोट ये हमारा ग्लिटर है, टॉप कोट गोल्डन भी है और टॉप कोट ये ग्लिटर भी है, ग्लिटर और सॉरी कॉपर और गोल्ड का कॉम्बिनेशन है। और बेस कोट लाइट ग्रे है, ये हमारी वॉल एक्सटेरियर का है। इस डिजाइन को हम इंटीरियर में भी कर सकते हैं। फ्रेंड, वॉल पुट्टी एक ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ही डिजाइन निकल जाता है, इसमें बहुत अलग अलग तरह के डिजाइन निकल जाते हैं। बहुत सारी वीडियो हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं, कई सारे डिजाइन हैं वॉल पुट्टी वाले। गाइस, आगे भी हम वॉल पुट्टी के डिजाइन आपके लिए लाते रहेंगे, हर बार ही एक अलग अलग डिजाइन आपके लिए लेके आएंगे। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपके लिए तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उस डिजाइन को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई डिजाइन के साथ। जय हिंद।